कोरिया जिले में अवैध पत्थर खनन जोरों पर चल रहा है। ऐसा ही ग्राम पंचायत जामपानी में अवैध पत्थर खनन का मामला सामने आया, जहां पर सरपंच मनीष कुमार का कहना है कि इस अवैध खनन के विरुद्ध खनिज विभाग को सन 2022 में भी सूचना देकर इस अवैध खनन पर रोक लगाने की गुहार लगाई जा चुकी है, परंतु विभाग के द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सरपंच ने बताया कि किसी भी पत्थर खदान में खनन करने की लीज न तो पूर्व में थी और न ही अभी है। यहाँ पूरी तरह से अवैध रूप से खनन का कार्य किया जा रहा है। खनन के दौरान बीच में आने वाले पेड़ों की भी कटाई करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पत्थर का उत्खनन बहुत पहले से ही होते जा रहा है, जो इसके बारे में हम लोग शासन प्रशासन को भी हम लोग लिखित माध्यम से दिए हैं 2 बार से, लेकिन आज तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। और ये पत्थर और गिट्टी के तोड़ाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है और ये और आगे बढ़ते जा रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा। देखिए कंप्लेंट तो मेरे पास जानकारी नहीं, लेकिन आपके माध्यम से पता चल रहा है कि इसको मैं कार्रवाई कराऊंगा। ये जामपानी एरिया में उधर लीच भी स्वीकृत है और बाय द वे लीच स्वीकृत क्षेत्र के अगर अन्य क्षेत्रों को अगर अवैध उत्खनन हो रहा है तो उसमें कार्रवाई करूँगा।